राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी और कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडौतिया का इस्तीफा शनिवार को मंजूर कर लिया। दोनों मंत्रियों ने नवंबर अंत में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे, जो अब मंजूर किए गए हैं। दोनों मंत्रियों का शनिवार को ही 6 महीने का समय पूरा हो रहा था। इमरती देवी ने दूसरी बार 1 जुलाई 2020 को शिवराज सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। कोई भी व्यक्ति विधायक रहे बगैर 6 महीने ही मंत्री रह सकता है। इस नियम के तहत इमरती देवी और गिरिराज दंडौतिया का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया था। कांग्रेस छोड़कर आई इमरती देवी ने विधानसभा उपचुनाव ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। इसमें वे 57,000 वोटों से हार गई। ऐसे ही दिमनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े गिरिराज दंडौतिया भी पराजित हो गए थे। हालांकि बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट का तीसरी बार विस्तार हो गया है, जिसमें सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ने शपथ ली है, लेकिन इमरती देवी और गिरिराज दंडौतिया को इस कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। साथ ही ये माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बावजूद 4 पद खाली रह सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने पर इमरती देवी और गिरिराज दंडौतिया सिंधिया समर्थक बने रहते हैं या फिर वो सिंधिया का साथ छोड़ देंगे। बता दें कि 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है, जब तारीख तय होगी तो फिर मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि फिलहाल सूबे में मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके पीछे वजह मानी जा रही थी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 7 दिसंबर को भोपाल आ रही हैं और यहां से उनका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में 8 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम रखा जा सकता है। हालांकि इस बारे में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल में चर्चा हुई, उससे माना यही जा रहा था कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।